अमेरिका के उत्तरी कैरोलिना में तूफान हेलेन से तबाही, बारिश और बाढ़ की वजह से मचा है हाहाकार, सड़क नदी में तब्दील, वहीं सैलाब में बहती दिखी गाड़ियां। अमेरिका के जॉर्जिया में तूफान की वजह से दूर दूर तक दिखा पानी ही पानी, भारी जलभराव से घरों में कैद हुए लोग। फ्लोरिडा में तूफान की वजह से जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित, कई रिहायशी इलाकों में भरा पानी, तूफानी हवाओं ने बिगाड़े यहां पर हालात। फ्लोरिडा में तूफान के चलते जगह जगह जलभराव, रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए एयरबोट किया जा रहा है इस्तेमाल। मैक्सिको में भारी बारिश की वजह से हालात हुए खराब, कई इलाकों में भरा पानी, सड़कों पर चलती नजर आई नाव, लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त। आज जम्मू कश्मीर के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण से पहले पीएम मोदी करेंगे चुनावी रैली, मौलाना आजाद स्टेडियम में रैली को करेंगे संबोधित। जम्मू कश्मीर के दौरे पर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी कई चुनावी रैलियों को करेंगी संबोधित, बिलावर कठुआ में जनसभा। राजस्थान के रणथंभौर में आज से दिल्ली बीजेपी की दो दिवसीय चिंतन बैठक, विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा, आम आदमी पार्टी को टक्कर देने के लिए बनाएंगे रणनीति। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने यूएनजीए में फिर लगा कश्मीर का राग, भारत की बढ़ती सैन्य ताकत को बताया खतरा, वहीं आतंकवादी बुरहान वानी का भी किया जिक्र। दिल्ली के ईदगाह पार्क में रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति लगाने का कार्य रुका, हाईकोर्ट के आदेश पर डीडीए लगा रहा था मूर्ति, मूर्ति लगाने के फेक मैसेज से जुटी भीड़ ने की थी नारेबाजी। आज हरियाणा दौरे पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ चुनावी जनसभाओं को करेंगे संबोधित। कन्नौज में छात्रा से रेप के आरोपी नवाब सिंह पर लगा गैंगस्टर एक्ट, भाई और बुआ पर भी एक्शन लिया गया। माफिया अशरफ के फरार साले जैद मास्टर पर कसा शिकंजा, 5 लाख की रंगदारी, मामले में घर पर कुर्की नोटिस जस्पा किया गया, 25,000 का इनाम घोषित, गिरफ्तार के लिए टीमों का गठन। उत्तर प्रदेश के हरदोई में सरकारी जमीन पर बने अवैध निर्माण को ढहाया गया, बाउंड्री वॉल समेत मकान पर चला बुलडोजर। दिल्ली से बिहार के लिए चलाई जाएगी स्पेशल वंदे भारत ट्रेन, सूत्रों के अनुसार दीपावली और छठ के दौरान भीड़ को देखते हुए लिया गया है फैसला। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में गुंडागर्दी करने वाले आरोपी को पुलिस ने किया अरेस्ट, धारदार हथियार दिखाकर राहगीरों को डराता था आरोपी।